है गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड क्या होते हैं, इसे कैसे डाउनलोडिंग किए जाते हैं और इसके आधार सेंटर कहाँ कहाँ होते हैं, और ये भी बताऊँगा कि कैसे आप आधार कार्ड के सेंटर की जांच कर सकते हैं आप अपने मोबाइल से कि कहाँ पर हमारा अपडेट हो रहा है आधार कार्ड, उसके सेंटर मतलब फुल डिटेल्स निकाल सकते हैं आप। और हम ये भी बताएंगे कि आधार कार्ड क्या होते हैं, इसके भारत में मान्यता मतलब क्या है इसकी, और कहाँ पर हम बना सकते हैं राशन कार्ड में लगाने के लिए कि अपडेट संख्या से हो सकता है या फिर नया आधार कार्ड नंबर लगता है। मैं इसके बारे में फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ और ये बहुत टाइप की इसमें समस्याएं आते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कैसे, देखिए आधार कार्ड जो ये हमारा है इंडिया के लिए सबसे मायने रखता है। अगर आप कहीं फिंगर रखते हैं, अपने आधार कार्ड नंबर रखते हैं तो आपके पूरे डिटेल्स चाहे तो निकल सकता है। आधार कार्ड ये हमें हमेशा रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई किसी कारणवश आप भुला जाते हैं या फिर आप लापता हो जाते हैं, कहीं मतलब खो जाते हैं। कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मतलब गूंगे होते हैं, नहीं बोल पाते हैं, जिसमें संदेश मिलते रहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पूरे आते रहते हैं ये व्यक्ति खो गया है, इसकी पता लगे तो ज़रूर बताएं। तो इससे बेहतर रहेगा यही कि आप उसे आधार कार्ड देकर उसे साथ में ही मतलब उसके रखें, ताकि मान लीजिए कोई अगर आदमी है और उसमें कोई आदमी है उससे उस व्यक्ति की पहचान होती है या जानता हो तो उसका आधार कार्ड से ही उसके पूरे मतलब जहाँ पर भी घर है उसे पहुँचा दें। क्योंकि आधार कार्ड में हमारा जो ये है पोस्ट का पता चलता है, गांव का पता चलता है, पिन कोड दिखाता है, बिहार राज्य दिखाता है और उसका जिला वगैरह सब कुछ, अंचल वगैरह सब कुछ दिखाता है, उसका नाम भी दिखाता है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी दिखाता है, उसके पापा का नाम भी दिखाता है और उसका आधार कार्ड नंबर भी दिखाता है। दोस्तों ये आधार कार्ड जो हमारा है ये इंडिया में कहीं भी चले जाइए आधार कार्ड की ज़्यादा मान्यता रहती है, और पैन कार्ड भी की भी आप मान्यता होगी, लेकिन अधिकतर पैन कार्ड का उपयोग बैंकों में ही पैसे के लेन देन में किए जा रहे हैं। दोस्तों ये जो हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड बनाने का प्रोसेस है, ये सभी किसी को नहीं मिलती है। जो आधार कार्ड के सरकारी जिनके पास सरकारी लाइसेंस होता है उन्हीं को ही आधार कार्ड नए बनाने की या फिर फिंगर अपडेट करने की उन्हीं के पास ये सेवाएँ उपलब्ध रहती है। नहीं तो ये हमारे जो बहुत से हमारे भाई हैं, बहुत से हमारे दोस्त हैं जिनको ये आधार कार्ड अपडेट करने की अनुमति है, उनके पास लाइसेंस भी है, लेकिन उनको CSE के माध्यम से यानी प्राइवेट एक टाइप से कहा जाए तो उनको कंपनी के टाइप से मिली हुई है कि आप ये आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं, वो भी CSE के माध्यम से। देखिए अगर आप आधार कार्ड की बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल किए जाते हैं, आपका जगह कैसा है, CCTV कैमरा है कि नहीं, आपके PC में है मतलब ये जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें 8GB रैम है या फिर नहीं, उसमें शौचालय करने की सुविधा है या नहीं, ये सभी दिखाए जाते हैं, तब किसी को आधार सेंटर मिलता है। लेकिन ये जो CSE के थ्रू जो भी लिए जा रहे हैं आधार सेंटर जिसमें सिर्फ अपडेट किए जाएंगे तो ये आपको उतने मतलब चीज़ मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जरूरी है CCTV कैमरा भी, शौचालय भी, और आपका 8GB रैम वाला कंप्यूटर भी जरूरी है। लेकिन इसमें ये है कि थोड़ी कम स्पेस, जगह आपकी कम रहेगी तो भी आपको ये मिल जाते हैं, लेकिन जो सरकारी लाइसेंस वाला आदमी होते हैं उनको कम जगह में नहीं चाहिए होती है, उनको चाहिए होती है कि इतने स्क्वायर फीट में जगह होनी चाहिए, ये लगी होनी चाहिए, वो लगी होनी चाहिए तो मिलते हैं। लेकिन जो CSE के थ्रू मिलते हैं इसमें कुछ छूट भी दिए जाते हैं, मतलब आपके कम जगह भी हो तो चलेगा, लेकिन ये सभी सुविधाएं होनी चाहिए। ये तो हो गया। अब मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपका आधार कार्ड नहीं बनाए तो आप जाएं, आप अपने नज़दीकी दुकान या फिर जो भी आधार सेंटर उनसे पूछें, बात करें कि हमारा आधार हमारा कहाँ बनेगा, नहीं बन रहा है, उनसे बात करेंगे तो आपको बताएंगे, वहाँ पर आप चले जाते हैं अपने। देखिए आधार कार्ड बनाने के लिए वोटर आई डी कार्ड लगा दीजिए, राशन कार्ड लगा दीजिए या फिर जन्म प्रमाण पत्र लगवा दीजिए, ये तीनों बहुत ही मायने रखते हैं, आपका आधार कार्ड नया बन जाएगा। अब मैं आप सभी को बता दूं कि फिंगर अपडेट क्या होते हैं। देखिए बहुत से हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनका मतलब फिंगर अपडेट नहीं होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि किसी किसी आधार पर लिखा होता है कि ये आधार कार्ड सिर्फ 5 वर्ष के बच्चों के लिए ही मान्य होगा। अगर मान लीजिए कोई लड़का है या फिर कोई
लड़की है, उसका जन्म हुआ, एक साल हो गए, तो उनके माता के माध्यम के फिंगर से उसके आधार कार्ड बना दिए जाते हैं, आधार नंबर मिल जाते हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ दिखाता है, लेकिन वहाँ पर एक लाल टाइप का दिखाता है। मैं आप सभी को उसका उसका भी थंबनेल में फोटो दिखा चुका हूँ, देख सकते हैं आप। तो उसी में ये दिए जाते हैं, और उसके बाद उस लड़की का फिंगर से आप कुछ भी करना चाहें तो जल्दी नहीं हो पाता है, खाता वगैरह भी नहीं खुल पाता है, इसलिए फिंगर अपडेट कराना जरूरी होता है। अगर आप फिंगर अपडेट कराते हैं तो उस आधार कार्ड नंबर से जो उसके उस लड़की के माता का फिंगर शो कर रहा था वो अब नहीं करेगा, लेकिन अब बच्चे का शो करने लगेगा। जिस आप बच्चे भी चाहे मतलब ऐसे अगर बच्ची 5 साल से ऊपर की हो जाती है तो उसके मतलब कहीं पैसा उठाने लेन देन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, और उसके मान लीजिए बाई चांस तो किसी कारणवश उस लड़की का आधार कार्ड या लड़के का आधार कार्ड खो भी जाता है तो उसके फिंगर रखवा कर उसे आधार नंबर से उसके आधार को निकाल दिए जाते हैं। आधार कार्ड डाउनलोडिंग करके उसे काट कर उसे बनाकर भी आधार कार्ड स्मार्ट कार्ड जैसे भी दिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आई होप कि ये वीडियो आपको इतना चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि राशन कार्ड में जो हम लोग नाम जोड़ रहे हैं वो आधार कार्ड के माध्यम से हो सकता है, या फिर आधार कार्ड नहीं बनाए उसे भी हो सकता है, या फिर रिसीविंग आधार कार्ड जो बनाए उसे भी हो सकता है या नहीं। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी क्योंकि आधार कार्ड में जो बनाने हैं प्रोसेस इसके लिए काम किया हूँ। दोस्तों इसमें हमें बताया गया था कि अगर किसी भी लड़की का आधार या फिर लड़के का नाम वगैरह जोड़ते हैं तो उसमें आधार कार्ड लगता है इसलिए क्योंकि उसके आधार नंबर जो है उसको दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप आपके बच्चे का या फिर बच्चियों का आधार कार्ड नहीं बना है तो किसी भी कारण से लड़की का नाम या फिर लड़के का नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आप उसके रिसीविंग को भी लगा देते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरा जो आधार कार्ड है ये आधार कार्ड तो बन गया है कुछ ही दिन में आ जाएंगे, इसलिए मैं इसके रिसीविंग को ही एक जीडेक्स करके लगा देता हूँ उसमें, तो भी हमारे अनुमानता ये नहीं जोड़ा जाएगा। हो सकती है कि नई बड़ी अपडेट आई हो जिसे आधार कार्ड के जो बनने वाला नंबर है ईआईडी नंबर उसे जोड़ने की सुविधा हो तो जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है उसे नहीं जोड़े जाएंगे। इसलिए आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके बच्चे बच्चियों का आधार कार्ड नहीं आ जाता है तब तक उसका जीरेक्स नहीं लगाएं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि राशन कार्ड जो भी बन रहे हैं उसी में बुरा मत मानिएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। राशन कार्ड जो भी बन रहे हैं खासतौर से मेरे ये जो टॉपिक है ये आधार कार्ड के लिए, लेकिन राशन कार्ड के लिए बहुत से दोस्तों की ये सुविधा दिक्कतें हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको भी बता दूँ इसी में। राशन कार्ड आपको नया बनाने के लिए किसी भी शॉप में जाते हैं, जैसे मेरा ये शॉप है, या फिर कहीं भी जाते हैं साइबर कैफे जो भी फॉर्म बेचते हैं उनसे जाकर बोल दीजिएगा कि नया राशन कार्ड बनाने के लिए दीजिए, उस पर लिखा होगा ऊपर प्रपत्र जो हमारा क है उसी से राशन कार्ड बनाए जाते हैं, और एक है प्रपत्र ख जिससे राशन कार्ड में नाम जुड़ जाते हैं। अगर कारणवश आपके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 5 आदमी हैं, उनमें 3 आदमी का नाम राशन कार्ड में आ गया लेकिन 2 आदमी का नहीं आया है, उनका आधार कार्ड है, तो आप क्या करें जिसके नाम से राशन कार्ड है उसके आधार कार्ड की एक जीरेक्स लगा दें और उसके बैंक खाता को एक लगा दें, और उसके बाद जो भी बच्चों का आधार कार्ड मतलब नाम जोड़ना है उनके आधार कार्ड के एक एक जीरेक्स करके लगा दें, एक फॉर्म को फिलअप कर दें प्रपत्र खा, और उसमें फैमिली के फोटो जितने भी आदमी हैं जितने जोड़ा गया है जितने आदमी का जोड़ना है सभी का फोटो लगाएं, और उसके बाद वहाँ पर 3 निकलवाएं, 1 को चिपकाएं, 2 को वहीं पर स्टेपलर से मारकर आप जाकर अपने अंचल में दे सकते हैं, जिससे आपका राशन कार्ड में 2 आदमियों का नाम जुड़ जाएगा। और रही बात नई राशन कार्ड बनाने के लिए, तो राशन कार्ड बनाने के लिए ये है कि नई राशन कार्ड बनाने के लिए जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो भी सदस्य हैं व्यक्ति हैं सभी के आधार कार्ड की जीरेक्स को लगा दें, और जिसके नाम से आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं उनके एक बैंक खाता की जीरेक्स को लगवा दें, और उसके बाद जिसके नाम से आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं उनके निवास की जीरेक्स को लगा दें, और उसके बाद प्रपत्र ख लगवा दें, और एक अपडेट लगवा दें अपडेट आपके अंचल में मिल सकता है या फिर आपके ये जिला में मिल सकता है। अपडेविट फिलहाल हमारे पास नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता किस टाइप का अपडेविट होते हैं। और उसके बाद क्या करें, फैमिली फोटो जितने भी आदमी हैं सभी की एक साथ खिंचवा किसी भी साइबर शॉप में जाकर बनवा दें, और उसका चिपका दें,
और उसके बाद फॉर्म को फिलअप करके जो जो भी हस्ताक्षर के लिए बोलेगा आवेदक का हस्ताक्षर उसको जरूर कराए और उसके बाद जाकर अपने ब्लॉक में जमा कर दे, जिसका जिससे आपका राशन कार्ड अगली बार आ जाएगा। और उसके बाद मतलब जो आप नाम जोड़ने के लिए भी देते हैं तो आपका राशन कार्ड आ जाएगा, लेकिन ये आप नहीं भूले कि जितने आदमी का नाम जुड़ा है और जितना आदमी का नहीं जुड़ा है सबका फोटो एक साथ लगाना चाहिए, क्योंकि नया जो आपका राशन कार्ड बन कर आएगा उसमें जैसे आप फोटो दिए हैं वैसे ही आएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे फैमिली का ही फोटो दें। अगर मान लीजिए कोई किसी कारणवश कोई आदमी मतलब दूसरी जगह पर है तो उनसे व्हाट्सअप से फोटो को मंगवा दें और किसी साइबर शॉप में जाकर बोले कि इसे जोड़ के बनाना है, वो जोड़ के बना देगा। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। और अब मैं बात करने वाला हूँ कि आधार कार्ड अपडेट करने के लिए। देखिए अगर आपका आधार कहीं भी खो गया है अपडेट के लिए पहले डाउनलोडिंग के लिए बोल देते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्तों में ये दिक्कतें रहती है कि उनका आधार नंबर तो है उसका जीरेक्स, लेकिन आधार कार्ड जो ओरिजिनल है जो कार्ड में छापा गया था वो कहीं गुम हो गया है, कहीं खो गया है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि किसी भी साइबर शॉप में जाकर पूछेंगे, एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है प्रिंट पोर्टल, जिसका आईडी पासवर्ड लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, उसका मंथली रिचार्ज भी करना पड़ता है, या फिर सिक्स मंथ का चाहे तो वन ईयर का चाहे तो रिचार्ज कर सकते हैं। उससे पूछे कि ये आपके पास सुविधाएं है या नहीं कि फिंगर से मेरा आधार कार्ड डाउनलोडिंग करना है। आप उसके पास सिर्फ एक अपना आधार कार्ड का जीरेक्स या फिर आधार नंबर जो है उसी को लेकर जाए और आप बता दें कि हमें इस लैंग्वेज में उसे डाउनलोडिंग करना है, आपको डाउनलोडिंग करके दे देंगे, आपको जो भी उनके खर्चे होंगे वो आपसे ले लेंगे। और आपको एक कार्ड बोल दीजिए, एक कार्ड छापके में चाहिए आधार कार्ड के जैसा लेमिनेशन वाला, वो आपको दे देंगे। तो अगर आपका आधार कार्ड खो भी गया है तो आप उसे आधार नंबर से ही डाउनलोडिंग करा सकते हैं। अगर ये भी है आपके पास सुविधा कि आधार कार्ड आपका खो गया है, पता नहीं कि कहाँ है, आधार नंबर उसका है और आधार नंबर के साथ साथ मोबाइल नंबर से ही लिंक है, तो आप चाहें तो किसी भी साइबर शॉप में जाएँ और वहाँ पर आप डाउनलोडिंग आधार कार्ड की करा लेंगे। बोलिएगा कि मेरा जो आधार कार्ड है मोबाइल नंबर से लिंक है, उस पर ओटीपी जाएगा, मैं उसे दे सकता हूँ। और ओटीपी जाने की प्रोसेस में बता देता हूँ, ओटीपी जाने के लिए ये मेन होते हैं महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं कि आपके जो भी सिम है जिसमें उस पर जिस नंबर के सिम है उस पर जाए आप रिचार्ज जरूर कराएं, क्योंकि सभी प्रकार के मैसेजेस वगैरह आते हैं, लेकिन अगर आपके सिम में रिचार्ज नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो आपके आधार कार्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओटीपी नहीं भेजते हैं, इसलिए उसमें रिचार्ज जाना जरूरी है, तभी आपके ओटीपी वगैरह आएंगे। और उसमें जब भी ओटीपी भेजे तो समय देखकर ही भेजे कि इतना टाइम मैंने भेजा है उसी को चाहिए, क्योंकि अगर आपके ओटीपी का जो मतलब एक भी अंक गलती होते हैं तो उसमें दिखाता है कि दिस ओटीपी इज इनकरेक्ट, ऐसा ही दिखाता है। और कैप्चा के भी दिखाता है, एक भी हल्का सा गलती हो जाए दूसरे मतलब मैसेज वगैरह दे देता है। और आपको दे सकते हैं कि यहाँ पर मैं ओटीपी वगैरह दे चुका हूँ कि कैसे ओटीपी आते हैं, ऐसे छह टाइप के अंक आते हैं। ये तो हमारी आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कैसे करा सकते हैं। आपके आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए आपको मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिसको आप देखेंगे तो आपके अपने मोबाइल से ही आप चेक कर सकते हैं कि हमारे मार्केट में हमारे चारों तरफ में कहाँ पर आधार सेंटर है जहाँ पर आधार कार्ड के अपडेट कराना चाहते हैं। आधार कार्ड के अपडेट के लिए आपको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर एक लिंक रखा है, उस पर जाए वीडियोस को क्लिक करें और वीडियोस को देख लें, उसके बाद अपने मोबाइल से ही चेक कर लें और उसके बाद आप आधार कार्ड की अपडेट करा सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको ऐसे लगभग 100 रुपये के आसपास लेंगे और वहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि बहुत अधिक लोग ये नहीं करते हैं। आधार कार्ड का अपडेट तो अधिक लोग कर रहे हैं, लेकिन जो फिंगर का बायोमेट्रिक अपडेट है ये लोग नहीं कर रहे हैं और नया आधार कार्ड लोग बनाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये किसी खास स्थान पर ही किए जा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूँ। और आधार कार्ड के अपडेट के लिए मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आपने आधार में अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज कराना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक कागजात ये है कि किसी भी गवर्नमेंट से इशू होना चाहिए कोई सर्टिफिकेट, जैसे आपका मैट्रिक और इंटर का तो नहीं लेकिन मैट्रिक का सर्टिफिकेट, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में हमारा डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, या फिर पैन कार्ड जो है उसमें भी दिया रहता है, या फिर पासपोर्ट वगैरह है उसमें भी दिए रहते हैं, यानी आपको सभी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो वो आपको सर्टिफिकेट्स देने चाहिए, दे रहे होंगे जिस पर डेट ऑफ बर्थ दिया हो।
और उसका वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब मान लीजिए कि अगर आप जो पासपोर्ट है उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है, मैट्रिक है उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है, अगर आपके आधार कार्ड में मॉम एंड डेड दोनों का मतलब पेरेंट्स का नाम गलती है दोनों आदमी का, तो आप एक बार में एक को अपडेट कराए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि हमने बहुत से केसेस ये देखे हैं, मैंने भी मतलब अपडेट का काम किया है, बहुत से केसेस ये देखे हैं कि अगर आप अपने आधार कार्ड में एक बार में दो चीज़ को अपडेट कराते हैं, दो चीज़ को सुधार कराते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर फादर नाम है नेम हो, या फिर मदर्स नेम हो, मतलब दो चीज़ को, या फिर डिटेल्स हो, सॉरी एड्रेस हो, या फिर आपके पिन कोड वगैरह हो, या फिर आपके ही नाम हो, दो चीज़ को अगर आप अपडेट कराते हैं तो आपका वो रिजेक्ट में जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार में एक ही चीज़ को अपडेट कराएं। और मैं आप सभी को बता दूं कि आपके जो आधार कार्ड में मान लीजिए कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सुधार करना चाहते हैं तो आप पैन कार्ड दे सकते हैं, ये तो मैंने बताया ही, और आधार कार्ड को नहीं अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर अगर आप अपने मम्मी का नाम चेंज कराना चाहते हैं, या फिर अपने पापा का नाम चेंज कराना चाहते हैं, तो आपको आधार के साथ साथ इंटर या मैट्रिक या फिर मम्मी का कराना हो तो आप पासपोर्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मम्मी का नाम उसमें नहीं रहता है, और उसमें आपके फादर का नाम रहता है यानी पिता का नाम रहता है, इसलिए पासपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन आपको मम्मी का नाम चेंज कराना हो तो उसमें आप अपने इंटर और मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स को दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं चलेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके एड्रेस को चेंज करना है तो आपको पैन कार्ड में तो एड्रेस नहीं दिया होता है, तो आपको इसके लिए एक निवास बनवाने पड़ेंगे, निवास बनवाने होते हैं जिसमें आपके पूरे फुल डिटेल्स दिए जाते हैं, आप कहाँ के निवासी हैं, पंचायत वगैरह जिला वगैरह सभी बताए जाते हैं, ब्लॉक वगैरह, तो उसको आप दे सकते हैं और अपने एड्रेस को चेंज करा सकते हैं। और आपके अपने नाम के लिए अपने मैट्रिक इंटर सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी दे सकते हैं चलेगा, पैन कार्ड भी हो तो चलेगा। लेकिन मैं भी ये आपको बता दूं कि वैसा सर्टिफिकेट दीजिएगा जिसमें सही आपका स्पेलिंग और हिंदी में भी शुद्ध हो, उसी के माध्यम से आपके आधार कार्ड के जो अपडेट किए जाएंगे सही आएंगे। अगर मान लीजिए कि इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में सही नहीं लिखा है, तो पहले उसे करेक्शन कराइए, फिर आधार को ही करेक्शन यानी अपडेट कराइए तो बेहतर रहेगा। और मान लीजिए कि अगर आपके आधार कार्ड में मान लीजिए आपका नाम है कि पवन नाम है आपका, तो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है PAWAN और आपके आधार कार्ड में दिया है PAVAN, ऐसा मैट्रिक के सर्टिफिकेट में हिंदी में तो देता नहीं है, लेकिन इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप उसे अपडेट कराए तो उसी को दे सकते हैं, PAVAN वाला देंगे तो वैसे ही रह जाएगा आपका। तो आई होप कि ये भी जो मैंने समझाया अपडेट के बारे में, ये भी आपको समझ आ रही होगी। अगर किसी कारणवश लड़की का या फिर लड़के का आधार कार्ड खो भी जाता है तो उसके फिंगर से और उसके आधार नंबर से निकल जाते हैं। तो दोस्तों मुझे ये उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आधार कार्ड फिंगर अपडेट के बारे में बता दिया, नए बनाने के बारे में बता दिया। अब मैं सबसे बड़ी समस्या हमारे दोस्तों के बीच में ये है कि क्या राशन कार्ड में हम नाम जोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप आधार कार्ड नहीं बनवाए तो तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये हमारा फॉर्म है, और उसमें मतलब फोटोग्राफ सब कुछ लगते हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस रहता है कि आपके मतलब इसमें लिखा है आवेदक हस्ताक्षर, आवेदक अंगूठे के निशान या हस्ताक्षर, इसी टाइप का होता है शपथकर्ता का हस्ताक्षर, शपथकर्ता का हस्ताक्षर, उसमें तीन जगह हिस्सा सिग्नेचर करने के लिए कहे जाते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में आप सभी को बता दें कि जिसका भी नाम जुड़ा हुआ है पहले से, जिसके नाम से राशन कार्ड है उसके आधार कार्ड के जीरेक्स को लगा दीजिए, उसके बैंक खाता के जीरेक्स को लगा दीजिए, उसमें निवास और अपडेट की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिसके आप राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं उसके आधार कार्ड को लगा दीजिए, आधार कार्ड के जीरेक्स को उसके लगा दीजिए, और फॉर्म को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नाम भरने के लिए दिया हुआ है। जिसका नाम पहले से जुड़ गया है उसके राशन कार्ड में जीरेक्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे तो लगा भी सकते हैं, उसे देखने का उन लोगों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मान लीजिए पहले से जुड़ा हुआ है तो उसके एंट्री करने की क्या आवश्यकता है, जिसके नाम से राशन कार्ड है उसकी एक आधार कार्ड की जीरेक्स और बैंक खाता बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, उसको जरूर दें। और जिसके नामों को जोड़ना है उसको आधार कार्ड के जीरेक्स को जरूर दे सकते हैं। यहाँ पर एक जो मेन है जिसके नाम से राशन कार्ड है उसको एक भरा जाएगा यहाँ पर सबसे फर्स्ट भाग में, और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे है जिसका नाम नहीं जोड़ा गया है उसका नाम लिखा जाएगा, उसके पति या पिता का नाम लिखा जाएगा, लिंग लिखा जाएगा, उम्र लिखा जाएगा, वैवाहिक स्थिति लिखा जाएगा, संबंध में लिखा जाएगा, मान लीजिए कि
मतलब जिसका राशन कार्ड बन गया उसके क्या लगती हैं, बेटा है या फिर बेटी है या फिर नाती है पोती है, ऐसा लिखा जाता है। और उसका EID नंबर यानी आधार नंबर यहाँ पर डाले जाते हैं। मोबाइल नंबर व्यवसायिक ये सरकारी सेवक ये डाले जाते हैं। व्यवसाय में कृषि आप लिख सकते हैं, आमदनी का स्रोत वगैरह कृषि डाल सकते हैं, NL इनकम लगभग 10,000 डाल सकते हैं, उसी टाइप के फॉर्म भर जाते हैं। उसमें सिर्फ राशन कार्ड नए बनाने या फिर नाम जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड के जो कार्डधारी है जिसके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है उसका ही आप आधार कार्ड की जेरॉक्स दे सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके आधार कार्ड बन गए हैं लेकिन नहीं आए हैं तो उसके EID नंबर के चाहे तो जेरॉक्स दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो जो आपका EID नंबर है उस आपके नाम जोड़े जाएंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर ही मांगता है राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए। और आगे अगर आपका आधार किसी परिस्थिति में अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आप उसे बेझिझक नहीं लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो जन्मतिथि या फिर जन्म प्रमाण पत्र के जेरॉक्स लगा भी देते हैं तो आपके राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़े जाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक जिसका जिसका आधार कार्ड है उसी का ही नाम दे और उसी के बारे में ही भरे, इससे बेहतर रहेगा ये कि आपका जो नाम है ये जोड़े जाएंगे राशन कार्ड में। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि अगर आपके मान लो किसी कारणवश आधार कार्ड नहीं है, खो गया है, बना हुआ है लेकिन खो गया है, उस पर आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब याद है कि इसमें आप लोग देख सकते हैं। EID नंबर लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए यहाँ पर, और लिंग लिख दीजिए, पिता या पति का नाम लिख दीजिए, और उसका उम्र लिख दीजिए, वैवाहिक स्थिति लिख दीजिएगा, और संबंध लिखिए, उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। अगर कार्डधारी मतलब जो राशन कार्ड में काम करने वाला आदमी है वो अगर इसको ध्यान देते हैं कि हो सकता है इसका राशन कार्ड भूल गया, सॉरी आधार कार्ड खो गया हो, या फिर हो सकता है हमारे पास आते आते बीच में फट गया हो, तो मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जोड़े या नहीं जोड़े। लेकिन अधिकतर चांसेस रहते हैं कि अगर आप कागज़ दिए होते हैं तो आपके जोड़ दिए जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए अच्छा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए हमारे FCC मोटिवेशन टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।